गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुनीता मरोड़ा, फोर क्लास फर्स्ट। आई विल टीच यू सब्जेक्ट हिंदी। डियर स्टूडेंट्स, विश्वास करती हूँ कि आप अपने घर में कुशल होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और कोरोना से बचने के नियमों का पालन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में कविता पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है ये देखो, पार्ट तीन, आम की टोकरी। आम की टोकरी, इसमें एक लड़की है जो आम बेचती है, टोकरी में अपने सर में ले जाती है और आम बेचती है। तो इसका वर्णन है, आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान देंगे, वीडियो को देखेंगे और वैसे ही करेंगे या जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। इसमें आम का वर्णन किया है, जो लड़की आम बेच रही है। आप ये देखेंगे प्यारे बच्चों, 6 साल की छोकरी, 6 साल की एक लड़की है, भरकर लाई टोकरी, जो आम की टोकरी भरकर लाई है। कितने साल की है? 6। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। एक लड़की है जो कितने साल की है, कितनी छोटी है, वो 6 साल की है और भरकर लाई टोकरी, और आम की टोकरी भरकर लाई है। टोकरी में आम है, टोकरी में क्या है? आम है। ये आप देख रहे होंगे, ये चित्र यहाँ पर बना रखा है। ये टोकरी है जो इसके सिर में है और इसमें आम भरे हुए हैं। नहीं बताती दाम है, दाम मीन्स कीमत। दाम किसको बोलते हैं? जो हम उसका प्राइस यानी रेट देते हैं कि आम कितने रुपए किलो है, ठीक है। और ये जो है नहीं बताती दाम है, इस आम का दाम नहीं बताती है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, ये टोकरी दिखाती है किस टोकरी को? जो आम भरी हुई है आम से, उसको दिखाती है और हमें बुलाती है। हमको देती आम है और हमें आम देती है, हमको मीन्स हमें आम देती है। नहीं बुलाती नाम है, ये नाम नहीं बुलाती, इससे कोई मतलब नहीं है कि केवल क्या है, आम बेचने से मतलब है ना, हमारा वो नाम पूछती है ना, अपना नाम बताती है। नहीं बुलाती नाम, ना हमें नाम से बुलाती, लेकिन वो क्या है, आम को बेचती है। नाम नहीं अब पूछना, वो कह रही है कि मुझे नाम नहीं पूछना है, मुझे नाम से नहीं है मतलब, हमें आम है चूसना और हमको आम चूसना है, हमें नाम से मतलब नहीं है। बच्चों, ये जो पोयम है ये आपकी बुक पर है, ये देखो, ये आपकी जो बुक है, ये रिव्यू वाली बुक है, फर्स्ट वाले आपका चैप्टर नंबर 3 है और इसमें आप बुक पे भी पढ़ेंगे, इस तरह से आप इसको लर्न करेंगे। देखे बच्चों, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, एक छोटी सी लड़की है जो कितने साल की है? 6 साल की है, वह अपनी टोकरी में आम भरकर लाई है। टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, उस लड़की की टोकरी में आम है लेकिन उसका दाम नहीं बताती है। दाम मीन्स कीमत, जो मैंने आपको बताया है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, लड़की अपनी टोकरी को दिखाती है और हमें बुलाती, हमें पुकारती है और लोगों को बुलाती है कि आओ और आम ले जाओ। लड़की हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, लड़की सबको आम देती है लेकिन वह नाम नहीं बुलाती है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। अब हम सभी लोग सब सोचेंगे कि हमें आम के बारे में नहीं जानना है, हमने आम खरीदना है और आम को चूसना है। चूसना है, आम खाते हैं ना आप लोग, आम कैसा होता है? येलो कलर का होता है और कैसा होता है? मीठा होता है। तो वो लड़की है जो
ये चित्र देखो आप, आपकी बुक पे भी होगा और आप अपनी बुक से भी इसको लर्न करेंगे और इसको पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको फिर से पोएम को दोहरा रही हूँ, आप इस तरह से इसको लर्न करेंगे। देखो, 6 साल की छोकरी, ये देखिए, भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, वो लड़की हमें बुलाती है, हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना, हमें आम चूसना है, हमें नाम से मतलब नहीं है। प्यारे बच्चों, अब इस पोयम को आप अपने घर में लर्न करेंगे, मैं आपको पोयम पूछूंगी और जिस बच्चे को ये पोयम याद होगी लर्न करेंगे वो मुझे भेजेंगे कि मैडम मैंने पोयम याद कर ली है। ओके, थैंक यू।